कनान थाना अंतर्गत कांद्री कनान में पेकोली के कोविड अस्पताल में कोरोना मरीजों की मौत होने पर परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की है। तोड़फोड़ के बाद अस्पताल में भारी पुलिस बल और QRT बल को तैनात किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार कनान कांद्री में वेकोली WCL द्वारा अस्पताल चलाया जाता है। इस परिसर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना का संक्रमण बढ़ने से इस अस्पताल को कोविड सेंटर बनाया गया था। जल्दबाजी में बनाए गए इस कोविड सेंटर में आधुनिक सुविधाएं नहीं है, यहाँ पर वेंटिलेटर भी नहीं है, लेकिन जो गंभीर मरीज आ रहे थे उसमें से सिर्फ कुछ ही लोगों को ऑक्सीजन लगाया गया। लेकिन पिछले दो दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से रात में ऑक्सीजन खत्म हो गया और इसके चलते यहाँ पर 3 से 5 ऑक्सीजन के अभाव में मरीज के मृत होने की जानकारी मिली है। समाचार लेके जाने तक प्रश्न यही थी, इसमें एक भारद्वाज नाम के युवक और एक महिला की भी मौत हो गई और अन्य 3 लोग भी मृत हो गए। इसके चलते गुस्साए परिजनों ने आज सुबह अस्पताल में जमकर उत्पात मचाया। अस्पताल में तोड़फोड़ की गई। इस घटना के बाद यहां पर भर्ती कई मरीज दहशत में आ गए। घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल और QRT को तैनात किया गया है। इस अस्पताल में 20 बेड की व्यवस्था की गई है, लेकिन मरीज ज्यादा होने से स्थिति गंभीर बनी हुई है। यहां से रात में कुछ मरीजों को जिन्हें वेंटिलेटर की जरूरत थी, ऐसे मरीज मेयो और मेडिकल में भेजे गए, लेकिन वहां पर भी उन्हें भर्ती नहीं किया गया तो वापस आ गए। समाचार लिखे जाने तक DYSP श्री सागर और कई पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और जांच कर रहे थे। BCN न्यूज के लिए अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। इंटर यूनियन का एरिया अध्यक्ष हूँ। हमने बहुत फोर्सफुली यहाँ पे कोविड सेंटर चालू हो, इस दृष्टिकोण से हमने सन्मानी केदार साहब को बोला, GM साहब से बात करी, कमिश्नर और जिलाधिकारी साहब के साथ ये सारी बातें हुई और यहाँ फाइनल डिसाइड किया गया कि 64 बेड का कोविड सेंटर यहाँ शुरू करने का निश्चित हुआ। दिक्कत यहाँ ऐसी है कि WCL और स्टेट गवर्नमेंट के सारे डॉक्टर्स नर्सेस मिलकर यहाँ दोनों का कोऑर्डिनेट करके चलाना निश्चित हुआ था, मगर एक तरफ WCL बोलती है कि स्टेट गवर्नमेंट देखेगी और स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि WCL देखेंगी। ये सब मिसमैनेजमेंट के चलते पेशेंट ICU का पेशेंट है, ऐसे पेशेंट को यहाँ जिलाधिकारी और कमिश्नर साहब बोलते हैं कि आप एडमिशन लो, यहाँ से हम नागपुर रेफ़र किया करेंगे। मगर क्या हो रहा है कि कोई भी पेशेंट यहाँ आया कि जिसका सिचुएशन 30% है, 40% है, 60% सिचुएशन वाला पेशेंट है, एडमिट हो रहा है, और यहाँ से जब आगे फॉलोअप लिया जाता है तो ना तो कोई फ़ोन उठाया जा रहा है, ना कोई पेशेंट का कोई फॉलोअप लिया जा रहा है। वो पेशेंट को ऑक्सीजन जो मिलना चाहिए वो ऑक्सीजन ले नहीं मिल पा रहा, उसके वजह से यहाँ 4 नहीं 5 डेथ हो चुकी है। आज सुबह 2 डेथ हुई थी। रिलेटिव ने यहाँ पे बहुत आक्रोश था, वो आक्रोश के चलते बाकी मिसमैनेजमेंट हुआ, डॉक्टर सब चले गए, नर्सेस चलेगी, यहाँ कोई देखने वाला नहीं, उसके बाद में 3 डेथ यहाँ हो चुकी है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। ये यहाँ कलेक्टर साहब ने और कमिश्नर साहब ने इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि ये इस प्रकार से अगर अपन यहाँ कोविड सेंटर चालू कर रहे हैं और कोविड सेंटर चालू करने के बाद में अगर वहाँ उसका फॉलोअप नहीं लिया जा रहा, यहाँ के पेशेंट को शिफ्ट नहीं किया जा रहा, तो यहाँ तो वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है और ऑक्सीजन के चलते कोविड यहाँ पेशेंटों की मतलब, और 2 पेशेंट सुबह गए, उसके बाद में 3 पेशेंट भगदड़ मचने के बाद 3 पेशेंट गए। उसके अलावा अभी जो 2 पेशेंट हैं उनकी बहुत ही सीरियस कंडीशन है, उनको यहाँ से शिफ्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन अभी कुछ भी कहीं से भी मतलब कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट और WCL के पूरे डॉक्टर्स लोग, अभी 6-8 घंटे हो चुके हैं कि उनकी मीटिंग ही चल रही है, अभी तक इसमें कोई भी डिसीजन उन्होंने लिया नहीं गया है, और इसके चलते अभी 2 पेशेंट फिर जाने के कगार पे हैं। ये बड़ी गंभीर बात है। प्रशासन और WCL प्रशासन, ये दोनों ने इस पर गंभीरता से इसको देखना चाहिए और इसको गंभीरता से लेना चाहिए।